महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, महिलाओं के लिए 133 योजनाएं बनाई हैं। ये सूची है मेरे पास। अभी मेरी तीन और सभाएं, एक बिहार में और दो उत्तर प्रदेश में। पूरी सूची में पढ़ नहीं सकता, मगर इन्होंने हिसाब मांगा है, मैं पढ़ूंगा जरूर। आप लोगों को लगे मोदी सरकार ठीक काम कर रही है तब ताली बजाकर रोक लेना। नहीं, अभी से नहीं, मैं पढ़ता हूं, सुनिए, जोर से पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कुछ। अरे भाई, अभी तो 9 ही हुआ है, 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। आप हमारा हिसाब मांगते हैं? जंगल राज दिया था, जंगल राज बिहार में। ये लालू राबड़ी ने जातिवाद की आग लगाई थी, लालू राबड़ी ने जातिवाद का नंगा खेल खेला था, बिहार को विकास के रास्ते से भटका दिया था। आज बिहार की सड़कें घर घर में बिजली, गांव गांव में बिजली। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो सरकार बनी, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, मित्रों बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने किया है। मुझे बताओ मित्रों, ये सब लोग कहते हैं, दिल्ली में एक हवा बनी कि गिरिराज जी को यहां भेजा गया है, सोच समझ कर यहां भेजा है, क्योंकि यहां जो लड़ने वाले आए ना, उनके सामने हमारा गिरिराज सिंह अकेला ही लड़ सकता है, अकेला है। इसलिए उनको यहां भेजा है। और मैं आपको आज अपील करने आया हूं मित्रों, ये फैसला मैंने जो लिया है, पार्टी ने जो लिया है, आपको उसका समर्थन करने की विनंती करने के लिए आया हूं। मुझे बताओ, गिरिराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? भाई, मैं प्रचंड बहुमत कहता हूं और आप ऐसी धीरी आवाज में बोल रहे हो, प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमाल के निशान पर बटन दबाओगे? नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? बिहार को देश का नंबर एक राज्य बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मैं बोलूंगा, फिर एक बार आप बोलोगे तो बोलो, फिर एक बार। भारत माता की। एक नारा मेरे साथ लगाएं, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने बीच उपस्थित है डॉक्टर प्रेम।